कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर आर्य यादव हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्रगढ़ जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी माननीय डॉक्टर सुल्तान सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम समस्त नांगल कालिया ग्रामवासियों, आरवी हॉस्पिटल, गुड़गांव और अन्य इलाकों से आए हुए सभी डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य स्टाफ की ओर से डॉक्टर सुल्तान सिंह जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर आर्य यादव से मैं अनुरोध करूंगा वे कृपया मंच पे आ जाएं। इस कैंप में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हुए समस्त डॉक्टरों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच के दाईं ओर अपना स्थान ग्रहण करें। आरवी अस्पताल गुड़गांव का एक अत्याधुनिक 100 बेड का अस्पताल है, जिसकी स्थापना गुड़गांव के जाने माने लेप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सक डॉक्टर विक्रम यादव ने सन 2010 में की थी। डॉक्टर विक्रम ने गुड़गांव शहर में सबसे अधिक शल्य चिकित्साएं करके, सर्जरीज करके विशेष नाम कमाया और उसके बाद इस अत्याधुनिक अस्पताल की नींव रखी। गांव नांगल कालिया में पैदा हुए डॉक्टर विक्रम ने आधुनिकता के नए मुकाम हासिल करने के बावजूद कभी भी अपने से अपने गांव को दूर नहीं किया। प्रत्येक वर्ष इसी महीने में आरवी अस्पताल के द्वारा इस विशाल काय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन इस गांव में किया जाता रहा है और आगे आने वाले सालों में किया जाता रहेगा। हर वर्ष आरवी अस्पताल की ये कोशिश रहती है कि हम पिछले चिकित्सा शिविर से कुछ बेहतर इस शिविर को बनाएं। जिस तरह का की व्यवस्था आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अधिकतर निशुल्क चिकित्सा शिविरों में जब मरीज जाते हैं तो उन्हें निशुल्क परामर्श मिल जाता है। कुछ एक जांचें अलग अलग हो जाती हैं और कुछ एक दवाइयां मिल जाती हैं। इस चिकित्सा शिविर में आरवी अस्पताल ने ना सिर्फ सभी मेडिसिन की विशेषताओं के डॉक्टरों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और हम उन डॉक्टरों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतवार को सुबह 6 बजे गुड़गांव से प्रस्थान किया और यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। निशुल्क परामर्श के साथ यहाँ पर सभी तरह की दवाइयों का इंतजाम है, बहुत तरह की खून की जांचों का इंतजाम किया गया है और दिल्ली से आई विशेष टीम हड्डियों में आने वाली कमजोरी के लिए एक अत्यधिक महंगी जांच, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी की जांच कहा जाता है, वो भी यहाँ पर करेंगे। कैंप का उद्घाटन माननीय अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय करेंगे। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विक्रम के सबसे पुराने गुरु मास्टर राम सिंह जी
और डॉक्टर विक्रम के जन्मदाता उनके पिताजी माननीय श्री हंस राम जी वो कृपया आए और हमारे मुख्य अतिथि का फूलों द्वारा स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा श्री लालचंद पुत्र श्री रिचपाल कि वो आकर डॉक्टर विक्रम यादव को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान करें। श्री नित्यानंद जी पुत्र श्री कुंदन सिंह जी से मैं अनुग्रह करूंगा कि वो आकर डॉक्टर आर्यन यादव का स्वागत करें। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिलाधिकारी साहब डॉक्टर सुल्तान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्द कहें और यहाँ पर मौजूद तमाम ग्रामवासियों और आए हुए अन्य लोगों की हौसला अफजाई करें। आदरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आर्यन यादव जी, दूसरे गांव के जो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गांव नांगल कालिया के यहीं से पैदा हुए और इतने होशियार गांव के पढ़कर यहां डॉक्टर बने हैं और आपकी सेवा में यहां जैसा कि बताया कैंप लगाया जा रहा है और आज मेला भी है गांव में। तो मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। सभी तरह के यहाँ स्पेशलिस्ट आए हैं, खासकर जैसे ENT के हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कानों में उनकी काफ़ी सुनाई नहीं देता, तो वो इस चीज़ के ना यहाँ डॉक्टर मिलते हैं आपको। सिविल हॉस्पिटल में भी नहीं कम डॉक्टर हैं और आपने नारनौल में भी, और काफ़ी लोग तो इनको दिखाते नहीं, वैसे परेशान रहते हैं भाई कानों पे, तो वैसे अपना पूरा ध्यान नहीं देते, खासकर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके भी कानों में काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर फायदा उठाएं। ENT के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, वो भी बड़े बहुत कम मिलते हैं, दूसरे डॉक्टर तो मेडिसिन वगैरह के मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह की अगर यहाँ काफ़ी स्किन की भी प्रॉब्लम है, कई लोग वैसे बताते हैं नहीं, ENT ये आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, खासकर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कई बार हम कैंपों में जाते हैं, पता चलता है कि काफ़ी बच्चों के सिर में दर्द रहता है, वो वैसे इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनका प्रॉब्लम दूसरी होती है, आंखों की प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार जो छोटे बच्चे हैं सिर वगैरह दुखता रहता है, और पेट की प्रॉब्लम है खासकर जो छोटे बच्चों की, बुजुर्ग की। तो इस कैंप का मेरा सभी से अनुरोध है कि आपके घर में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, अगर आप वहाँ गुड़गांव में जाओगे या दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे तो टाइम पर नहीं देते, और अब आपके गांव में आए हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और मेरा सभी गांव वालों से, खासकर जो हमारी पंचायत है, उससे अनुरोध है कि जितने भी हमारे पंचायत के काम हैं, वैसे तो मैं आया आपका गाँव, बड़ा अच्छी गलियाँ हैं, साफ सुथरा गाँव है, लेकिन और भी अगर किसी चीज़ की जरूरत हो, खासकर यहाँ इस इलाके में पानी की कमी है, अभी हम पीछे पानी के कनेक्शन कई यहाँ तकरीबन जिले में 200 के करीब ऐसे ट्यूबवेल थे जिनमें ट्यूबवेल तो लगा रखे हैं, पंचायतों ने कनेक्शन नहीं है, उसके पैसे
अगर कोई ऐसा आपके गांव में हो, कोई ड्यूअल पिछली स्कीम में लग गया हो, किसी भी स्कीम से हो, कनेक्शन वगैरह के पैसे देने हो 1-1.5 लाख रुपए, तो आज ही हम कल ही आपको पैसे दे देंगे। और भी जो खासकर मेरा अनुरोध है कि नरेगा स्कीम ऐसी है कि इसमें आप कितने भी पैसे दे सको, उसमें जो गांव के लोग हैं अपना काम करता है, जब भी अब जैसे सीजन में खाली बैठे हैं तो 180 रुपए आपको गांव में मिल जाएंगे। और उससे आप जैसे पहले जो फ्री में भी करते थे, दान करते थे, भाई जोड़ खोदना है, रास्ते बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, लोग फ्री में काम करते थे, और अब गवर्नमेंट उनको पैसे दे दिया है। जैसे आपका कहीं रास्ता है, खेत में जाते हो, उस रास्ते में मिट्टी वगैरह डालनी है, तो आपका खुद का रास्ता है वो, और गवर्नमेंट उसमें 180 रुपए आपको दिहाड़ी भी देगी। इसी तरह कहीं स्कूल में वर्क करना हो, जोड़ की खुदाई करनी हो, और कोई जैसे कोई अच्छा काम हो, जिसमें इस स्कीम में थोड़ा ये है, अभी 60% आपको हम मजदूरी देते हैं, 40% में उसको पक्का काम भी कर सकते हो, और जो छोटे जिम्मेदार हैं उसके लिए भी हम पैसे देते हैं। खासकर जो छोटे जिम्मेदार हैं, अपने खेत में कोई जमीन को ठीक करना हो या और दूसरी स्कीम हो, तो आपके गांव के जो भी जायज से काम होंगे उनके लिए हम हमेशा जा रहेंगे। और आज खासकर जो इतना यादव साहब ने आपके गांव में कैंप लगाया है, मैं इनको हार्दिक बधाई भी देता हूं कि इन्होंने गुड़गांव से यहां आए और आपके गांव में हर साल कैंप लगाते हैं, और यहां सारे सभी तरह के जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, दूसरे डॉक्टर तो मिल जाएंगे आपको, MBBS हो रहा है, और कई बार आप देखोगे कि समस्या जो डॉक्टरों को दूसरे डॉक्टरों को दिखाने बीमारी का पता ही नहीं चलता, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको फटाफट वो सही इलाज बताएंगे, और सही उसका आपको जो इससे बीमारियों से परेशानी है तो वो एकदम ही आपकी हल हो जाएगी। तो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। एक बार मैं सभी डॉक्टर को और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने मेरे को बुलाया और यहाँ बुलाकर मेरे को इतना सम्मान दिया। और जो गांव की आपकी मेरे से संबंधित जो भी आपकी शिकायतें हो, मेरे को कभी भी मिले, आपके गांव का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। जय हौसला अफजाई के लिए ADC साहब का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर विक्रम से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को समस्त ग्रामवासियों की ओर से इस कैंप का एक स्मारक चिन्ह पेश करें। यहाँ पर आए सभी डॉक्टरों को उनकी सेवाओं के बदले में ग्रामवासियों की ओर से इस कैंप का एक स्मारक चिन्ह एक एक करके ग्रामवासी पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र सरपंच जी से, वो आए और डॉक्टर आर्यन यादव को स्मारक चिन्ह पेश करें। मेडिकल ऑफिसर रमेश कुमार शर्मा जी कृपया आए और डॉक्टर अंशुमन मदान को स्मृति चिन्ह पेश करें। डॉक्टर अंशुमन मदान आज इस कैंप में हड्डी रोगों के विशेषज्ञ के तौर पर पधारे हैं। भूतपूर्व सरपंच राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आए और डॉक्टर उपदेश को स्मृति चिन्ह पेश करें।